देखना चाहेंगे यहाँ पे कुछ अच्छी इनिंग्स ताकि रेडी हों इस एनकाउंटर के लिए। ये जो ओपनर हैं पाकिस्तान के रेगुलर ओपनर्स इमामुल हक, चार्ज किया और ऊंचा शॉट खेल सकते हैं क्योंकि सर्कल है, लेकिन इस शॉट के लिए कोई सर्कल की ऐसा जरूरत नहीं क्योंकि ये 6 रन के लिए खेल दिया है। हम बड़ी टेक्निक की बातें कर रहे थे, बैट बॉल बहुत ज्यादा विड दे दी और 4 रन के लिए बड़ी आसानी से रिजवान ने इसको खेल दिया। ये इसे कहते हैं इनएक्सपीरियंस। अब 4 बॉलें अच्छी कर ली, इस बार रिजवान ने चार्ज किया लेकिन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहा शॉट और ये मौका है मिड ऑफ के लिए और पकड़ के इस कैच को कामयाबी दिलाई। कप्तान ने कैच किया हरीश सोहेल ने और खुर्रम शहजाद पहले ओवर में विकेट ले गए। अच्छा शॉट, काफी फुल गेंद था लेकिन लेग स्टंप के गलबन बाहर जाती हुई, यस और पिच भी शायद बाहर हुआ हो। रीजन ये इन फॉर्म बैट्समैन ने ये बॉल मिस क्यों किया केपी को, अच्छी गेंद, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था इसका और ये 4 रन जो हैं बिल्कुल भी ये बॉलर के खाते में नहीं जाने चाहिए लेकिन लेग बाइज है, नो आइडिया व्हाटसएवर ये बॉल किस तरह से अंदर आया। 20 पे एक खिलाड़ी आउट और 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल। मिक्स अप एंड हिट बट ही मिस्ड, Hafiz was gone if Khurram Shahzad just hit one of those stumps. That has been taken with Mohammad Hafiz going for another swing. Akif almost misjudged that. It was in the air and a big wicket has finally been caught by Akif. It's in the air. Fine leg is looking, but to no despair. It's gone for a 6 over the side screen. And a 6 by Fakhr Zaman, when that could have gone anywhere, could have been a catch, but he's awarded 6 runs. Wide of off stump and just been a bullet boundary of another 4 back-to-back boundaries, the first 2 balls by Fakhr Zaman. Room and width. Once again, they're running hard that first run, but Akif, again, another misfield. Awarded KP a boundary of the last ball of the over, bringing up the 50. KP is 50 for 2. ये शानदार पुल शॉट, कोई दिक्कत महसूस नहीं की इस मर्तबा शुएब मलिक ने, जिनके मुतालिक ख्याल किया जाता है कि अब शॉर्ट गेंद को वैसा नहीं खेलते अपनी जवानी की तरह, लेकिन इस बार बहुत अच्छी पोजीशन में आए। और ये शानदार पुल शॉट, अभी जिक्र हो रहा था कि पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन एक दौर में इस शॉट को बहुत ज्यादा अपनाते थे और शानदार छक्का लगा दिया फखर जमान ने, इस बार वार किया और गेंद सीधी आई डीप मिड विकेट के फील्डर के पास। अकबर रहमान ये कैच ले उड़े और डेंजर मैन फखर जमान को चलता कर दिया, ये वक्त आ गया था। डाउन द विकेट ही प्लेस स्ट्रेट, दैट्स सेफ, विल ऑलवेज बी सेफ एंड इफ यू कैन हिट इट दैट वेल यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी फील्डर्स। ट्रेडमार्क शॉट बाय शोएब मलिक, ही लव्स टू हिट इट डाउन द ग्राउंड ओपनिंग आउट देयर। Yes, Balochistan have kept KP quiet, but not on this occasion. A good pull shot for 4 runs. Malik on strike. Makes room, plays straight and earns himself a 4. Right over Umar Gul's head, knowing that the mid-off fielder was inside. He just had to... Good shot here from Shoaib Malik. He knew there was gap between shot third man and point. Played it late. Hits it hard and earns himself a maximum. So he's taking on that challenge here, Shoaib Malik from the leg spinner. That's what we are talking about. A little bit.
Entry shot. Now, oh, he's missed it. That's not good enough. The bowler is frustrated. He's already been hit for a boundary and a six. Who don't speak out. Did he get some bat onto it? Yes, he did. It's a bad ball and becomes a nightmare for the bowler with a boundary. Excellent two overs for KP here. Really in a nice comfort zone. Look at that. Making room and how elegantly or effortlessly he's placed it in the gap. He's almost played it from the leg stump. Making use of his experience, knowing where the fielders are, playing it inside out. 12 and over to reach that 170 mark. Sahibzada coming into the party. 16 overs, 127 for 3. पहले पीछे हट रहे थे फिर आगे चले और बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट शोएब मलिक की और अच्छा इम्प्रोवाइज किया और यहाँ पर चार रन मजीद अपनी टीम को दिला दिए. रेट ये कई बार विकेट से भी ज़्यादा अहमियत रखता है. उठाया और ये विकेट मिल गई. अगर आप रन नहीं देंगे इस फॉर्मेट में तो आपको विकेट मिलती है. वही हुआ और कैच आउट कराया उन्होंने साहबजादा फरहान को मिड ऑफ के हाथों. बड़ी क्रूशल स्टेज पर विकेट मिली है. सिंगल कर रहे हैं अब आंखें बंद करके मारनी शुरू करो. अब ये देखिए मिडल हुआ फील्डर के पास और एक और विकेट और ये बिल्कुल अंडर प्रेशर. अब यहाँ पे नॉट आउट जाना ज़रूरी है. यहाँ पे है कि मैंने स्कोर करना है हर गेंद पे. मैंने चांस लेना. इस बार गेंद निकल जाएगी. दो फील्डर हैं थर्ड मैन पर और दोनों आखिर में बमुश्किल ये बाउंड्री बचा सके. तीसरा रन हासिल किया. सवाल पूछा है विकेट कीपर ने लेकिन लगता है कि पहुंच गए थे. शोएब मलिक बहुत तेज निकले. अभी पहुंचे हैं अपने रन अप पे. इनको खड़े होना चाहिए था वहां पे ऑलरेडी. अब वो दोबारा जा रहे हैं उधर. मिड ऑन का फील्डर आराम से वापस आ रहा है. यासिर शाह और हवा में खेल दिया. यासिर शाह ये कैच ले लेंगे. जी हाँ रिवर्स कप बनाया. ऑस्ट्रेलियाई अंदाज में इस कैच को मुकम्मल किया यासिर ने. अच्छा ये किया कि सेलिब्रेट करने के लिए आगे नहीं गए ताकि वक्त ना जाया हो. उसकी कोई और रीजन है मेरे ख्याल में. थके हुए हैं. कमेंट्री कर रहा हूँ. खत्म ही नहीं हो रहा. इस बार गैप में खेला है. यहाँ पर दूसरा रन आसानी के साथ मिल जाएगा. 150 रन मुकम्मल हुए. बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़े हैं केपी को टॉस हारने के बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए. छह विकेटें गंवाई. सिर्फ दो ही गेंदें आप बाकी हैं. इस बार हवा में खेला. फिर मौका है यासिर शाह के लिए और कैच गिरा दिया उन्होंने. बहुत वक्त मिल गया था यासिर को. आखिर में आई लेवल के नीचे गेंद उनके दोनों हाथों में आने के बाद निकल गई. अच्छी डिलीवरी थी. बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पर आई और दो रन वहाब रियाज ने हासिल किए और इस तरह ये इनिंग्स जो है तमाम हुई. ये 20वां ओवर और 154 रन बना सकी यहाँ टीम केपी. छह विकेटें उनकी गिरी और यहाँ पूरा क्रेडिट जाता है बलूचिस्तान के बॉलर्स को